हेलो, आई एम नीतू और आज मैं 10th क्लास को चैप्टर फर्स्ट के नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाने जा रही हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। कहता है एक आर्मी कॉन्टिंजेंट है 616 मेंबर्स की, उसको इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। उसको एक आर्मी बैंड का 32 मेंबर्स हैं, ग्रुप है, उसके पीछे मार्च करना है। 616 मेंबर्स को आर्मी बैंड के 32 ग्रुप्स 32 मेंबर्स के पीछे मार्च करना है और दो ग्रुप्स में मार्च करना है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में उनको मार्च करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमने बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे जिनमें वो मार्च करेंगे। तो हमें बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे मिलेंगे, जब हम एचसीएफ निकालेंगे 616 का और 32 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 will give the maximum number of columns, okay? कहते हैं HCF of 616 and 32 will give the maximum number of columns। तो हम कैसे निकालेंगे, हम यूक्लिड डिविजन एल्गोरिदम लगा के ये HCF निकालेंगे। By applying यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू 616 एंड 32 वी गेट, हमें क्या मिलता है, 616 को रखेंगे हम अंदर और डिवाइड करेंगे 32 के साथ। 32 वन जा 32, 9 2 296 आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे 32 को किसके साथ करें, 32 को अगर हम 9 के साथ करते हैं तो आएगा हमारे पास 288। हमारे पास रह गया नीचे 8, ठीक है। ये 8 जो है ये हमारा रिमाइंडर आया। तो हमें क्या मिला, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू 616 एंड 32 वी गेट 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। अब जो 8 है ये हमारा रिमाइंडर है, तो अभी हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आया। जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता तब तक हम ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को अप्लाई करते रहते हैं। तो दोबारा करेंगे अप्लाई, सिंस द रिमाइंडर दैट इज 8 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, सो अगेन वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू किसको, क्योंकि हमारा जो है ये 8 नहीं आया, 32 एंड 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 32 को अंदर रखेंगे और क्या करेंगे 8 के साथ डिवाइड कर देंगे। 8 4 32, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। 32 एंड 8 वी गेट, तो हमें क्या मिला, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर यहां पे क्या आ गया है, 0। तो एट दिस स्टेज तो डिवाइजर क्या है हमारा 8। एट द अबव स्टेज द डिवाइजर इज
एट, डिवाइजर क्या है हमारा एट, एट द अबव स्टेज द डिवाइजर इज एट, देयरफॉर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मर्ज, देयरफॉर पहले एच सी एफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मर्ज, इन विच दे कैन मर्ज इज 8, ठीक है। तो समझ आ गई मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आ गए हमारे पास 8। मैं दोबारा समझाती हूँ, सबसे पहले हमने HCF निकालना है, HCF ऑफ 616 एंड 32, क्योंकि जब हम HCF निकालेंगे 616 और 32 का तभी हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। तो HCF ऑफ 616 एंड 32 विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू 616 एंड 32 वी गेट 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। तो अभी हमारे पास जो रिमाइंडर है 8 वो 0 के बराबर नहीं आया, सो अगेन वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू 32 एंड 8। अब 32 को अंदर रखा तो 8 से डिवाइड किया, 8 फोर 32, तो आ गया हमारा रिमाइंडर 0। एट द अबव स्टेज द डिवाइजर इज 8, अगर डिवाइजर 8 है तो HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मर्ज इज 8। तो बेटा आपको ये समझ आ गई क्वेश्चन की अच्छी तरह, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग घर में प्रैक्टिस करते रहा करो बार 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 क्वेश्चंस को, जितनी अच्छी तरह आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे, आपको एग्जाम्स में कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। डेली घर में प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, बार 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 निकालने हैं, प्रैक्टिस करने से ही इंसान परफेक्ट बनता है बेटा, ठीक है। तो आपको बार 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 ये क्वेश्चंस निकालने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ that the square of any positive integer is of the form three m or m plus one plus 1 for some integer m. कहते हैं यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करो टू शो दैट, ये शो करने के लिए दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेट कर लिया हमने, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट एनी पॉजिटिव
इंटीजर बी ए। मान लिया ए जो है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्यू बी द कोशेंट, क्यू बी द कोशेंट एंड आर बी द रिमाइंडर। क्यू कोशेंट है एंड आर बी द रिमाइंडर। डिवाइडिंग ए बाई थ्री बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम वी गेट। अब आप बोलोगे ए बाई थ्री, यानी ए को अंदर रख के जब हम थ्री से डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर आएगा ये हमारा कोशेंट होता है, तो नीचे जो आता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, यानी ए इज इक्वल टू थ्री इंटू क्यू प्लस आर। तो ए क्या आ जाएगा हमारा थ्री क्यू प्लस आर, जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन थ्री। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, पुटिंग आर इज इक्वल टू जीरो वन एंड टू, लेकिन एक साथ ही पुट करना है, बारी बारी से पुट करना है। आर को पहले जीरो पुट करना है, फिर वन पुट करना है और फिर टू पुट करना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं नंबर वन पे, व्हेन वी पुट आर इज इक्वल टू जीरो, जब हम आर को जीरो पुट करते हैं तो हमारा ए क्या बन जाएगा, यानी ये वाली रकम जो है हमारी आर वाली, ये तो जीरो बन गई, तो हमारा ए सिर्फ थ्री क्यू रह गया। क्या रह गया, ए इज इक्वल टू थ्री क्यू। ठीक है ना, तो अब हमने क्या बता रहे हैं कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी अब हमें इसका स्क्वायर करना है। इट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू का होल स्क्वायर। इट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर। समझ आ रही है, इट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा थ्री क्यू स्क्वायर। समझ आई, ए स्क्वायर थ्री हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रह गया थ्री क्यू स्क्वायर। ठीक है, इट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एम। अब थ्री एम क्यों आया, क्योंकि एज्यूम किया है हमने, एज्यूमिंग थ्री क्यू स्क्वायर, एज्यूमिंग थ्री क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दूसरे केस में, व्हेन वी पुट आर इज इक्वल टू वन, जब हम आर को वन पुट करेंगे तो ये हमारी रकम क्या बन जाएगी, अब ये सिर्फ थ्री क्यू नहीं रह जाएगा, अब आर को वन पुट किया, जीरो नहीं पुट किया, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन, ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन। इसी तरह अब हम स्क्वायर करेंगे, इट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा थ्री क्यू प्लस वन के होल स्क्वायर में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आप सब जानते होंगे, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, पता है ना आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब आ जाएगा इट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी थ्री क्यू का स्क्वायर, थ्री क्यू का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री क्यू इंटू वन प्लस बी का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर। इट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर प्लस थ्री टू जर सिक्स क्यू प्लस वन। ठीक है, अब हम कॉमन ले लेंगे, इट इंप्लाइज ये दो रकमें रखेंगे ना अंदर, इट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू, पहले इसको ब्रैकेट में रख लेंगे फिर कॉमन लेते हैं। इट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू,
ठीक है, प्लस वन, ये हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एम प्लस वन, एज्यूमिंग थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू इज इक्वल टू एम, इसको हमने एज्यूम किया है एम। ठीक है, समझ आ रही है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू थ्री क्यू इंटू वन प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया थ्री, थ्री जा नाइन क्यू स्क्वायर प्लस थ्री टू जा सिक्स क्यू, ठीक है, प्लस वन, इट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू, को ब्रैकेट में रख लिया अलग से क्योंकि इसमें से हमने थ्री कॉमन लेना है, प्लस वन, इट इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री कॉमन लिया तो अंदर आ गया थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू, ठीक है ना, थ्री थ्री जा नाइन क्यू स्क्वायर, अगर हम खोलेंगे तो थ्री टू जा सिक्स क्यू प्लस वन। अब हमने क्या करना है, वेन वी पुट आर इज इक्वल टू टू, जब हम आर को टू पुट करेंगे तो हमारा ए क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू, ठीक है। अब दोबारा हम स्क्वायर कर लेंगे, इट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर, यहां भी वही फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर, यानी थ्री थ्री जार नाइन क्यू स्क्वायर प्लस टू ए बी, थ्री टू जार सिक्स, टू ए बी यानी टू इंटू थ्री क्यू इंटू टू, टू जार सिक्स इज टू जार ट्वेल्व क्यू, तो आ जाएगा हमारे पास प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस टू टू जार फोर, ठीक है। अब इसी तरह हमने इनको क्या कर लेना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू ब्रैकेट में प्लस फोर बाहर, ठीक है, इट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री कॉमन लिया थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू, फोर को हम लिख सकते हैं प्लस प्लस वन थ्री क्यू एन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू एन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस फोर एन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस थ्री प्लस वन हाँ प्लस फोर को लिख लेंगे थ्री प्लस वन, तो ये भी कॉमन में आ जाएगा, हम इसको पहले ही कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस थ्री प्लस वन, ठीक है, इट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री कॉमन ले लिया तुम्हारा जगह थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन प्लस वन, ठीक है, तो इट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एम प्लस वन, एज्यूमिंग थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन इज इक्वल टू एम, तो ये भी हमारा थ्री एम प्लस वन, थ्री एम प्लस वन की फॉर्म में आ गया ना, यानी कोई भी इंटीजर लेके तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगा, थ्री एम और थ्री एम प्लस वन की फॉर्म में आएगा। तो अब हम नीचे लिख देंगे कि दस द स्क्वायर ऑफ, दस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म थ्री एम, यहां से लिखना है देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ, यहां से नीचे लिख लेना द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म थ्री एम आर थ्री एम प्लस वन फॉर सम इंटीजर एन, ठीक है, आपको समझ आ गई बेटा ये क्वेश्चन की, समझ आ गई है ना, स्क्वायर बताना है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर n, ठीक है, तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब हमने पहले हमने स्क्वायर बताया, अब हम करेंगे यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी दैट द क्यूब शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 और 9m प्लस 8 ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले मैंने आपको स्क्वायर के बारे में बताया द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब जो क्वेश्चन है ये हमारा क्यूब पे आ गया। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यू बी द कोशेंट एंड और डी द रिमाइंडर आर जो है ये रिमाइंडर है ठीक है। अब क्या करेंगे उसी तरह से डिवाइडिंग ए बाई थ्री बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम वी गेट क्या आ जाएगा। जिस तरह पहले किया हमने ए को थ्री से डिवाइड जिस तरह हमने किया था ए को अंदर रख के थ्री से डिवाइड यानी इधर हमारा कोशेंट होता है नीचे रिमाइंडर यानी ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर यही आ गया। ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस आर कामा जीरो इज लेस देन आर इज लेस देन थ्री ठीक है। पुटिंग R इज इक्वल टू जीरो जब हम R को जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा पूरा हमारा तो हमारे पास A बेटा क्या रह जाएगा A इज इक्वल टू थ्री क्यू। जब हम R को जीरो पुट करते हैं वी गेट A इज इक्वल टू थ्री क्यू हमारे पास A आ जाता है थ्री क्यू। अब हमने पहले क्वेश्चन में हमने स्क्वेयर किया था तो A स्क्वेयर किया था लेकिन यहां पर क्या है बेटा यहां पर क्यूब है क्यूब तो अब हमने क्या करना है ए का क्यूब करना है। ए क्यूब इज इक्वल टू थ्री क्यू का क्यूब इज इक्वल टू थ्री थ्री जर नाइन नाइन थ्री जर 27 क्यू क्यूब यानी हमारे पास आ गया ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब आया इसके ठीक है। 37 क्यूब इट इंप्लाइज ए क्यूब इज इक्वल टू अब हम 9 रख लेंगे बाहर 9 थ्री जार 27 होते हैं तो 3 क्यूब अंदर आ गया ठीक है। इट इंप्लाइज ए क्यूब इज इक्वल टू 9m क्यों आया एज्यूमिंग 3 क्यूब इज इक्वल टू m इसको हमने m एज्यूम किया है ठीक है समझ आ गई। ये हमने किया था पहला जब हमने r को जीरो पुट किया अब हमने r को वन पुट करना है ठीक है। पुटिंग r इज इक्वल टू वन वी गेट जब हमने r को वन पुट किया तो हमें क्या मिलेगा ये हमारा वन बन जाएगा यानी A इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन इसी तरह अब हम इसका क्यूब करेंगे इट इंप्लाइज ए क्यूब इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन का क्यूब। अब A प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है अब यहां पे हमने क्या करना है
इसका क्यूब करना है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये होता है हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो चलो हम लगाते हैं ये फॉर्मूला। तो हमारे पास आ गया ए क्यूब यानी थ्री क्यूब का क्यूब प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर बी यानी थ्री क्यूब का स्क्वायर इंटू वन प्लस थ्री इंटू थ्री क्यूब इंटू वन। ठीक है, प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई आपको, वन का क्यूब इज इक्वल टू थ्री थ्री जार नाइन, नाइन थ्री जार 27, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर यानी वन ही आ गया प्लस ए का क्यूब। तो ब्रैकेट हमने बड़ी बंद कर दी, 27 क्यू क्यूब प्लस थ्री थ्री जार नाइन, नाइन क्यू स्क्वायर नाइन थ्री जार 27 क्यू स्क्वायर प्लस थ्री थ्री जार नाइन क्यूब प्लस वन। ठीक है, 27 क्यू क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस नाइन क्यू प्लस वन आ गया। इट इम्प्लाइज ए क्यूब इज इक्वल टू नाइन, हमने ले लिया कॉमन तो हमारे पास आ गया नाइन थ्री क्यू क्यूब प्लस थ्री क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ठीक है, प्लस वन, इट इम्प्लाइज ए क्यूब इज इक्वल टू नाइन एम प्लस वन, क्योंकि हमने एज्यूम किया है, एज्यूमिंग थ्री क्यू स्क्वायर थ्री क्यू क्यूब प्लस थ्री क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू एम, इसको हमने एम एज्यूम किया है। तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ गया नाइन एम प्लस वन। पहले हमारे पास क्या आया था जब हमने जीरो पुट किया था, तो ये आ गया था हमारा नाइन एम। ठीक है, ये आ गया था हमारा नाइन एम। अब हमने क्या किया है, पुट क्या किया है, वन पुट किया है। जब हमने वन पुट किया है तो हमारे पास आ जाएगा, पहले आ गया नाइन एम, अब आ गया नाइन एम प्लस वन, अब हमारे पास तीसरा रह गया नाइन एम प्लस एट। दो तो हमारे प्रूव हो गए, अच्छी तरह देख लो बेटा, दो मिनट में आपको देती हूँ, पहले आप इसको देख लो फिर मैं मिटा के तीसरे वाला करवाऊंगी। ठीक है, पहले देख लो, जब हमने ए को किया पुट जीरो तो हमारे पास आ गया ए क्यूब इजिकल टू थ्री क्यूब का क्यूब इजिकल टू 27, ये सारा आ गया। तो अब हमारे पास आ गया थ्री क्यूब प्लस वन। ठीक है, तो यानी दो हमने प्रूव कर लिए नाइन एम और नाइन एम प्लस वन के। अब हम क्या करेंगे, मिटाओ में फिर आपने देख लिया, हमने आर को अब हमने टू पुट करना है। अब हमने क्या करना है, पुट आर इज इक्वल टू टू पुट किया हमने। ठीक है, आर को जब हमने टू पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू, इसी तरह हम क्यूब कर लेंगे, ए क्यूब आ जाएगा थ्री क्यूब प्लस टू का होल क्यूब। तो लगा लो फॉर्मूला इज इक्वल टू ए क्यूब यानी थ्री क्यूब का क्यूब प्लस थ्री ए ए स्क्वायर बी यानी थ्री इंटू थ्री क्यूब का स्क्वायर इंटू बी यानी टू। ठीक है, प्लस थ्री इंटू ए ए यानी थ्री क्यूब प्लस बी स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर प्लस टू का क्यूब बी क्यूब। ठीक है,
इट इम्प्लाइज ए क्यूब इज इक्वल टू 3 3 9 9 3 27 क्यूब प्लस 3 3 9 9 3 27 27 2 54 क्यूब स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 3 9 9 4 36 क्यूब प्लस 2 2 4 4 2 8, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इट इम्प्लाइज ए क्यूब इज इक्वल टू, अब हम इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, इन तीनों टर्म्स में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 कॉमन ले लिया तो आ गया 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ठीक है, प्लस 8। इट इम्प्लाइज ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, क्यों, क्योंकि हमने एज्यूम किया है, एज्यूमिंग 3 क्यूब क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इज इक्वल टू m, ठीक है, तो आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 9m प्लस 8, ये है हमारा 9m प्लस 8। तो n में हमने क्या लिख देना है कि therefore the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8, ये एंड में आपने क्वेश्चन के लिख देना है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गई, ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें फॉर्मूलेज लगते हैं आपको, बार बार फॉर्मूले जितने भी हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, और भी जितने भी फॉर्मूलेज आगे चैप्टर्स में आएंगे, बार बार उनको आप क्या करो, कॉपी पे लिखो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, और बार बार क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी। तो प्लीज अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ गया आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।